एकलौता बेटा है वो, अगर नहीं करेंगे तो ये धमकी मिलेगा आपको कि आपका नंबर काट दिया जाएगा, मर जाओ, कुछ करो, कोई सेफ्टी नहीं है। सहायता क्या करता, वहाँ पे एक मेडिकल सुविधा नहीं है। हम समान काम करें तो हम समान वेतन क्यों नहीं चाहिए? हमें 8,000 मिल रहा है, उनको 40,000 मिल रहा है। मंत्री जी, आप बहुत एजुकेटेड हैं, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, युवा आपके साथ हमेशा खड़ा है, लेकिन इस बात को आप ध्यान दीजिए कि ग्राउंड लेवल का चीज अलग होता है और आप कुर्सी पे बैठा उसका चीज अलग होता है। मेन मुद्दा यह है कि अभी जो हादसा ये हुआ है, जो महाराष्ट्र का एक लड़का है, उसके परिवारों को न्याय मिले, हम लोग की बस यही मांग है। अप्रेंटिस के तौर पे आप आइए, काम करिए और यहाँ से एक साल के बाद बेरोजगार होकर घर जाइए। फर्स्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। फर्स्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तिरन्नान। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के रेलवे अस्पताल में खड़े हुए हैं, जहां आज सुबह 9 बजे एक युवक की करंट लगकर मौत हो गई है। मौत का कारण यह है कि इन्हें सरकार द्वारा और रेलवे द्वारा कोई इन्हें प्रिकॉशन नहीं दिया गया था, इस कारण युवक की करंट लगकर मौत हो गई है। आइए हम जो और अप्रेंटिसशिप में जॉब कर रहे हैं, उनके साथी जो उनके साथ थे, उनसे बात करते हैं और जानते हैं मौत का कारण पूरा क्या है। हाँ, बताएंगे वो उनको करंट कैसे लगा वहाँ पर? वो वायर रॉप खोल रहा था, वायर रॉप खोलते समय ही वो बोला करंट हमको लग रहा है, तो हम उसका पैर छू के देखे तो मेरा हाथ झनका दिया। उसके बाद हम बाहर निकले, गाड़ी के नीचे में थे, गाड़ी के नीचे से बाहर निकल के उसका गला, नीचे मतलब ट्रेन के नीचे, जी ट्रेन के नीचे में थे, उसके बाद उसको खींचे लेकिन वो नहीं निकला, तब हाथ घुसा के उसके बाद निकाले, जो कि हमको भी करंट लगा है। जब तक वो खत्म हो चुका था? नहीं, उस समय खत्म नहीं हुआ था, वहाँ से मतलब वहाँ पे नहीं खत्म हुआ था, वहाँ से निकलने के बाद खत्म हुआ है। उसको सहायता के लिए और किसी को नहीं बुलाया? सब लोग वहाँ पे था, सहायता क्या करता, वहाँ पे एक मेडिकल सुविधा नहीं है। हाँ, उसको निकाले कैसे फिर? निकाले हाथ से ही निकाले हैं, खींच के निकाले हैं। तो आप लोग करंट नहीं लगा उसमें? तो लगा, हम तो बता रहे हैं कि हमको खुद लगा है, इसको भी खुद लगाया ना, लेकिन हम छोड़े नहीं कि जब तक नहीं निकलेगा बच जाएगा यही बहुत हो जाएगा। ग्लव्स नहीं पहनते क्या आप लोग? नहीं, ग्लव्स से वो काम नहीं होता है, नहीं, ये सूज नहीं, सेफ्टी का कुछ नहीं, हेलमेट। आप लोग कितने लोग थे वहाँ पर? वहाँ पर कितने लोग थे आप लोग? हम लोग वहाँ पे लगभग 30 के लमसम आ गए थे। 30 के लोग लगभग 30 में सिर्फ आप ही मदद की उसको? आप ही मतलब आता आदमी तभी ना, जहाँ पे जिसका काम रहेगा वही आएगा ना। हम काम कर रहे हैं भैया, हमको कुछ होगा तो ये नहीं बचाएगा, तालुक आदमी ना आएगा तभी तो, तालुक में तो ये तो बचाएगा ना, वही बात है, साथ में काम कर रहा था भाई, उसको हुआ ये घींच के निकाला, अब तालुक आदमी जुटते जुटते भाई निकाल दिया उसको। एक गाड़ी में दो से तीन बंदा काम करता है, वही तीन आदमी मतलब वहाँ पे काम कर रहे थे, तो उसमें एक खत्म ही हो गया, दो आदमी और थे। जो आपके साथ में एक और था उसको भी करंट लगा क्या? नहीं, वो बाद में आया था, वो मतलब साइड में। ग्लव्स क्यों नहीं दिया जाता? जब हम लोग जाते हैं स्टोर में इशू कराने के लिए ग्लव्स, तो वहाँ पे बोला जाता है कि ये ग्लव्स जो है कि एक महीना के बाद मिलेगा, ये ग्लव्स 3 दिन के बाद फट जाता है। ठीक, और सूज मांगने के लिए जाते हैं तो बोलता है जब परमानेंट वाला को पुरता नहीं है सूज, तो अप्रेंटिस वाले को कहाँ से देंगे सूज? अप्रेंटिस वाले के लिए नहीं आता, ये बताए, ये डायरेक्ट बोलता है नहीं, हेलमेट देता है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है वहाँ पे, एकदम लेबर की तरह काम करवाता है हम लोग को। भैया, हम लोग को ट्रेनिंग के लिए ना बुलाया गया है कि काम कराने के लिए बुलाया गया है? हाँ, तो भाई काम कराओ ना, उतने ही काम कराओ ना, हक से ज्यादा क्यों करवाया जाता है? काम नहीं करता है? तो बोल रहे हैं आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? क्या चाहते हैं? यही चाहेंगे भाई को जो है स्वर्ग मिलेगा उसको। जो हमारे डेड बॉडी बेचारे हैं, उनके फैमिली जो आ रहे हैं, उनको कुछ सहयोग किया जाए, उनके प्रति कुछ नौकरी चाहे जो भी उनको हेल्प किया, जो उसके माँ बाप हैं उनपे भी क्या बीतेगा बताइए? जो भी बाय रोड आ रहे हैं या जो ट्रेन से जो भी आ रहे हैं लोग, उनका फैमिली, उनके साथ अभी क्या बीतता होगा? एकलौता बेटा है वो, क्या होगा उनके साथ बताइए? हम लोग ये नहीं है कि अप्रेंटिस करने यहाँ जीवन में ये नहीं करने आए हैं, बर्बाद नहीं करने आए हैं। 7,000 में क्या होगा हम लोग को? लेबर से बदतर काम करवाया जाता है हम लोग का, लेबर से भी ज्यादा काम करवाया जाता है। काम नहीं करेगा तो बोले नंबर नहीं देगा, अटेंडेंस बोल रहे नहीं, मेडिकल एब्सेंट लगा देगा।
यही बोल रहे कोई नंबर के हिसाब से पेमेंट मिलता है क्या आप? नहीं नहीं नंबर के हिसाब से पेमेंट नहीं मिलता, ये मॉक से मिलता है। 120 नंबर वहाँ मिला जाता है और हम लोग को DRM से भी मिलता है। अगर 120 का ये भरोसा पे हम लोग काम करते हैं, अगर जो काम नहीं करेंगे तो डायरेक्ट बोलता है नंबर नहीं देंगे। नंबर नहीं देंगे उसका मतलब क्या हुआ? पेमेंट काटते हैं क्या उसका? नहीं पेमेंट नहीं करते हैं, नंबर देते हैं काम के हिसाब से नंबर। हाँ सर्टिफिकेट ये और वो आगे जरूरी होता है। हम लोग का जो सुविधा मिलता है ना गुरु डिवीजन में, मामला ये है कि आज सुबह 9 बजे जब अप्रेंटिस लड़का ड्यूटी गया उसको बिना सेफ्टी इक्विपमेंट तो पहले ही नहीं दिया था। SSC लोग ऐसे बोलते हैं कि आप जाओ ऐसे ही करो, तो मैं भी काम कर रहा हूँ। मैं क्या किया हूँ ना, मेरे उसे जो MCM लोग नहीं करते वो मेरे से बुलाया गया है, मैं भी काम किया हूँ। MCM लोग का जो काम है मतलब जो 60,000 का सैलरी वाले जो करना चाहते जो उनका काम है वो 7,000 वाले में अप्रेंटिस लड़के से कर रहे थे। ये कम होना चाहिए। और जो टेक्नीशियन का काम है वो टेक्नीशियन करेंगे, जो MCM का काम है वो MCM करेंगे, जो अप्रेंटिस का काम है आके ट्रेनिंग लेना वो ट्रेनिंग लेंगे। हादसा का कारण क्या हुआ आजकल? हादसा मेन जरूरी चीज है वेल्डिंग केबल लगा था गाड़ी पे, वो पूरा गाड़ी में करंट आ रहा था, तो उसकी वजह से वो जाके BC नाम का होता है वो बॉडी पे टच होता है, वो BC को जाके अनकपल कर रहा था, इसलिए उस टाइम करंट आ गया और टच करते ही झटका लगा, वो गिर के हादसा हुआ। मेरा नाम नीरज कुमार दुबे है, मैं इलेक्ट्रिक लोको सेट बिलासपुर में अप्रेंटिस के तौर पे कार्यरत हूँ। देखिए हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान है कि अप्रेंटिस के तौर पे आप आइए काम करिए और यहाँ से 1 साल के बाद बेरोजगार होकर घर जाइए। रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री जी से और हमारे प्रधान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप बहुत प्रशिक्षित हैं, आप एक मध्यम परिवार से जाके प्रधानमंत्री के तौर पे विराजमान हुए हैं, तो कृपया हम लोग के ऊपर भी जो अप्रेंटिस बंदे हैं इन सबों का भी ख्याल रखा जाए। हम लोग को अगर संविदा कर्मी पे ही रखें परमानेंट नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक इंश्योरेंस के तौर पे दीजिए, रेलवे हॉस्पिटल की फैसिलिटी दीजिए और काम करने के लिए सेफ्टी प्रिकॉशन दीजिए और हम लोग को पहले ट्रेनिंग कराया जाए 10 से 15, उसके बाद हम लोगों से काम कराया जाए और 8 घंटे में कम से कम 2 से 3 घंटा हम लोग को पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए भी व्यवस्था किया जाए। और जो बार बार धमकी मिलती है कि नंबर तुम्हारा काट दिया जाएगा, नंबर नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा एबसेंट लगा दिया जाएगा, ऐसा इस पर भी आके जमीनी स्तर पर इसका कार्य हो और इसको देखा जाए और इसको समझा जाए और इस पे कुछ ना कुछ अच्छा निर्णय लिया जाए। ये हादसा कैसे हुआ? ये हादसा हुआ कि करंट लगने से हुआ और कल के डेट में जो परमानेंट कर्मचारी है BCN का वो बोला है अपने इंचार्ज को कि सर इसमें करंट आ रहा है, लेकिन सुबह बिना जांच किए हुए कि उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है अप्रेंटिस वाले लड़के को वहां पे जबरदस्ती भेजा गया, जिसके कारण बार बार प्रेशर रहता है अप्रेंटिस बंदों को कि तुमको काम करना है, अगर काम नहीं करोगे तुम्हारा नंबर नहीं दिया जाएगा, तुमका एब्सेंट लगाया जाएगा। इसके चलते हम लोग काम करते हैं, एक लेबर का भी एक दिन का वेतन है तो आज कम से कम 400 रुपया है, लेकिन 266 रुपये में एक अप्रेंटिस का बंदा एक दिन में कार्य करता है, जो कि यहाँ पे 50 रुपया KG आलू और प्याज खरीद के खाता है और जैसे तैसे अपनी जिंदगी यहाँ पे निर्वहन करता है। और इसके लिए बार बार बोला जा रहा है कि बोला जाता है SSC लोग बोलते हैं कि मेरे यहाँ परमानेंट कर्मचारी नहीं है, जिसके कारण अप्रेंटिस वाले बंदे को मौत के मुंह में धकेला जाता है। और ये आज बिलासपुर में पहला घटना नहीं है, इससे पहले भी एक जनरल इलेक्ट्रिक का लड़का संजय रजक नाम है, वो इमरिया रिपोर्ट में काम करता था, उसका मौत हुआ, जिसको बिलासपुर के ही मंडल के कर्मचारी लोगों ने दबा दिया कि बोला गया कि वो लड़का ट्रेन से गिर के मरा है, जो कि ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जो भी लड़का मरा है उसका जांच हो और उस पर कार्यवाही। के लिए क्या चाहते हैं कि आगे ऐसा घटना ना हो, उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? सेफ्टी प्रिकॉशन दिया जाए, पहले ट्रेनिंग कराया जाए 15 से 20 दिन, 1 महीना, उसके बाद 11 महीना काम कराया जाए, 12 महीने परमानेंट 8 घंटे काम करते हैं, जबकि जी मामला ये है सर कि BCN में एक लड़का काम कर रहा था और देखिए बात मामला तो ये अभी एक इंसिडेंट का है कि जो एक लड़का हम लोग का जो साथ में आया था वो डेट कर गया है, महाराष्ट्र का रहने वाला है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि देखिए डेट कैसे हुआ उसको? डेट तो करंट लगने की वजह से ऑन द स्पॉट ही डेट हो गया उसका, करंट वर्क टाइम में ही करंट लगने से अचानक गाड़ी में पूरे करंट आ गया और इस वजह से उसका डेट हो गया। लेकिन देखिए बात ये डेट का नहीं है, डेट इसका मामला ये है कि जैसे देखिए इसको समीकरण समझना होगा सरकार का, देखिए जो नीति है ये बिल्कुल गलत है, 40,000 रुपये दे रहे हैं एक परमानेंट एम्प्लॉय को और उसमें 6 अप्रेंटिस आप खटा रहे हैं, हर साल आपका इक्विपमेंट 700-800 हर एक जोन में आ रहा है, जिसकी वजह से जितने भी अधिकारी भी हैं वो जानबूझकर सबसे ज्यादा ज्यादा जो काम है वही सब करवाते हैं अप्रेंटिस वालों से, जो परमानेंट वाला का भी काम होता है वो अप्रेंटिस वाले करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो ये धमकी मिलेगा आपको कि आपका नंबर काट दिया जाएगा। लेकिन ये सब तमाम चीजें सेफ्टी के नाम पर सर कुछ नहीं है, अगर आप आके भी देख सकते हैं, पूरा इंक्वायरी बैठा सकते हैं, आपको नाइट ड्यूटी करना है, आपको अंडर गियर अपर गियर हर टाइम काम करना है विदाउट हेमलेट,
हर चीज करना है। प्रेशर उन लोगों के ऊपर है, अगर एसएससी से हम लोग बोलते हैं सर ऐसा क्यों, तो उन लोग बोलते हैं कि काम ऊपर से मिल रहा है, हम लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमको काम कराना है किसी भी तरीके से, आप मर जाओ कुछ करो, कोई सेफ्टी नहीं है। देखिए हम लोग अगर ट्रेन में जो है ट्रेवल करते हैं 35 पैसा का इंश्योरेंस हम लोग एक बार कटाते हैं जाने के लिए, लेकिन उसके लिए एक दिन के लिए 10 लाख रुपए का बीमा मिलता है, ये आपको भी पता होगा, सभी को पता होगा 10 लाख रुपए की बीमा मिलता है। हम लोग यहाँ पे रेलवे एम्प्लॉय होके एक दिन के लिए जो 10 लाख जुर्माना मिल रहा है, हम लोग एक साल पूरे निष्ठा से काम कर रहे हैं, इसकी जाँच भी हो सकती है, कोई अप्रेंटिस अभ्यर्थी नहीं हो, जो ये लोग तो 10 घंटा काम किए हैं, 8 घंटे के बाद 10 घंटा काम किए, एलएस में गाड़ी फिट करना रहता है आपको, लोको सेट में, तमाम तरह की चीजें हैं जो आप देखने को मिलेगा। लेकिन बात यहाँ पे है कि किसी के घर का लाडला गया है, तो हम लोग की सरकार से मांग यही है कि उसके परिवारों को एक नौकरी दिया जाए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कंसेशन दिया जाए। देखिए अगर काम में समानता नहीं, आप सुने होंगे एक बिहार में काम चल रहा था समान काम समान वेतन, वो सरकार को लागू करना पड़ा। हम समान काम करें तो हम समान वेतन क्यों नहीं चाहिए, हमें 8,000 मिल रहा है, उनको 40,000 मिल रहा है, समान काम कर रहे हैं, सेफ्टी के नाम पे कोई चीज नहीं मिल रहा है, तो बाकी लड़के लोगों को क्या चाहिए सर? देखिए आप भी अगर हम अभ्यर्थी रहेंगे तो आपको यही चाहिए, अप्रेंटिस मतलब होता है प्रशिक्षक, हम लोग ट्रेनिंग लेने आए हैं, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग सेंटर तक नहीं है, यहाँ एक भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं होने का कारण यही है, फर्स्ट दिन जाते हैं आपको हाथ में हथौड़ा दिया जाता है, बेटा ये काम करो, बिना ट्रेनिंग के आपको काम कर दिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, आप इसका सब हादसा हो रहा है, बिल्कुल तमाम हादसा होगा सर, हम ही खुद आए थे जब फर्स्ट टाइम, तो हमें जब दिया गया था काम करने सर मेरा पूरा यहाँ पे चोट लग गया था, लेकिन काफी दिन हो गया काम करते करते फिर हैबिट हो गया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी अप्रेंटिस वाले आने वाले हैं उनके साथ ये घटना नहीं हो, यही हम लोग की मांग है। और रेल मंत्रालय से खास करके मांग है, मंत्री जी आप बहुत एजुकेटेड है, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, युवा आपके साथ हमेशा खड़ा है, लेकिन इस बात को आप ध्यान दीजिए कि ग्राउंड लेवल का चीज अलग होता है और आप कुर्सी बैठा उसका चीज अलग होता है, दोनों में बहुत समान बहुत बहुत दोनों में बहुत अंतर है, इस बात को आप जानिए, ग्राउंड लेवल तक अधिकारी को भेजिए, और अप्रेंटिस अभ्यर्थी हम लोग को कोटा 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 किस चीज के नाम पे मिल रहा है, बहुत सारा समीकरण है अभी इसमें, ये मुद्दा तो दूसरा है, लेकिन आगे भी हम लोग बात को रखेंगे, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अभी जो हादसा ये हुआ है, जो महाराष्ट्र का एक लड़का है उसके परिवारों को न्याय मिले, हम लोग की बस यही मांग है, पूरे DRM से यहाँ पे DRM मैडम जो भी, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जिसके भी घर किसी का, आपका भी लड़का हो सकता है, हमारा भी भाई हो सकता है, किसी की बहन हो सकती है, तो बिल्कुल सेफ्टी दिया जाए। आपका परिचय? मेरा परिचय रूपेश चौबे फ्रॉम बिहार आरा। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक, तीरंदाज।